कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत पर चतरा में सड़क पर उतर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान की तस्वीर लेकर खुशी मनाते नजर आए। कांग्रेस ने भी हनुमान को अपनाया। कांग्रेसियों ने राजनीति में बजरंग बली को अपनाया। कहीं हनुमान चालीसा तो कहीं नफरत के बीच प्रेम की दुकान। अब राम नाम तेरा तो वीर हनुमान हुए। यह तस्वीर देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चतरा में हनुमान का फोटो लेकर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से बजरंग दल को बजरंग दली के प्रतिष्ठा से जोड़ा गया और उसके बाद आए परिणाम ने जो राजनीति में एक नई लकीर खींच दी, वह स्पष्ट दर्शाता है कि भाजपा ने कांग्रेस को स्वयं अपनी पीठ पर बल्लेबाजी के लिए न्योता दे दिया, जिसके परिणाम भविष्य में भाजपा के लिए घातक साबित हो सकते हैं। अब तक हिंदू या राम नाम पाकिस्तान या यूं कहें अल्पसंख्यकों के हितैषी का खेल चल रहा था, किंतु कर्नाटक चुनाव में राम के बदले हनुमान का नाम जपना भाजपा को जहां महंगा पड़ गया, वहीं कांग्रेस को उन्हीं के पीछ पर राम के बदले हनुमान मिल गए। और तभी तो आज हर राज्य में कांग्रेसियों ने पहले हनुमान चालीसा के जाप पर जीत का जश्न मना, हिंदुत्व को अपना लिया, जो भाजपा के लिए अब भविष्य में सिरदर्द साबित हो सकता है। कांग्रेस को अब हिंदू से जब भी दूर दिखाने की कोशिश की जाएगी तो कांग्रेसियों के पास दुख हारने के संकट मोचक चालीसा होगा। भाजपा इस पीड़ा को अब कैसे दूर करेगी या आने वाला समय तय करेगा या वह कहावत सच होगी जिसमें कहा गया है। जीत मिली है कर्नाटक में, क्या कहिएगा? आज हमारी जीत जो कर्नाटक में मिली है वो अभूतपूर्व है। आज जनता ये दिखा दी है कि भ्रष्टाचार की सरकार नहीं चलने वाली है और यहाँ पर जो है तो यहाँ पर बेरोजगारी और किसान का सभी तरह के मुद्दे को जो भाजपा इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वहाँ पर उनकी हार हुई है। और आने वाला समय में ऐसा है कि अभी तो यह झांकी है, 24 हमारी बाकी है, कर्नाटक से हमारा शुरू हुआ। बजरंग बली का फोटो सड़क पर लेकर उतरे हैं, पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे। बजरंग बली सबके हैं, सभी, ये किसी का लिखा हुआ नहीं है, या ये कहिए कि ये भाजपा के लिए ही कांग्रेस बजरंग बली नहीं है। बजरंग बली हम सभी के दिल में रहने वाले हैं और हम लोग सभी पूजा करते हैं। इसको कौन कह दिया कि ये भाजपा के बजरंग बली है? न्याय ये न्याय करके दिखा दिया कर्नाटक में कि बजरंग बली किसके हैं।